वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अब से इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं। इसका मतलब एक्वेरियम से रिलेटेड हर एक डिटेल मैं इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। एंड बस यही, अभी वीडियो पे आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस जो फिश के बारे में बात करने वाला हूँ, लेडी फाइटर या लेडी बेटा, सो मैं फालतू में वीडियो को लंबा करने के लिए कहाँ से आई है क्या है वगैरह वगैरह नहीं बताने वाला। एक बायर को जितना ज़रूरत है जानने का, जितना इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए, उतना ही मैं बताने वाला हूँ, इसे घुमा फिरा के नहीं। पहली चीज़ के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ वो है प्राइसिंग। तो देखिए, प्राइसिंग को बताने से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, प्राइसिंग डिपेंड करती है आप कौन से स्टेट से ले रहे हैं, कौन से जगह से ले रहे हैं, उस फिश का कौन सा वैरायटी मतलब कौन से ब्रीड से आता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, फिर वो मार्केट में डिमांड में है कि नहीं उसके ऊपर मतलब डिपेंड करता है, फिर वो कौन से ग्रुप से आती है या फिर कौन से फैमिली से आती है वो भी डिपेंड करता है। सो मैं जो प्राइस बोलने वाला हूँ ये शायद आपके वहाँ पे इससे सस्ती भी मिल सकती है, महंगी भी मिल सकती है। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ मतलब ताकि आपका आइडिया हो सके। सो अगर मेरे को जितना लगता है इसका प्राइस, कम से कम 50 रुपये में 3 से लेके 5 आपको मिल जाएंगी। एंड इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मैंने बस एक रफ आइडिया आपको दिया है। अभी जो सबसे बड़ा एक मिथ लोग मानते हैं कि फाइटर फिश एक एक्वेरियम में हम बहुत सारे या फिर ग्रुप में नहीं रख सकते हैं, तो ये बात सच है। लेकिन ये जो फाइटर फिश है ये लेडी फाइटर फिश है, इसका मतलब इनको आप ग्रुप में एक्वेरियम के अंदर रख सकते हैं, इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। जो मेल फाइटर है उनको आप नहीं रख सकते, लेकिन अभी आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये लेडी फाइटर फिश है, इनको आप इजीली अपने एक्वेरियम पे रख सकते हैं। नाउ तीसरी जो बात मैं बताने वाला हूँ वो की है कि कौन से फिशेस के साथ आप इनको रख सकते हैं, ठीक है ना। सो आप जितने भी गोल्ड ग्रुप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया, आपको अगर नहीं पता गोल्ड ग्रुप क्या है मैं बता दूँ, गोल्ड फिश हो गया, कोई कार्प, मिल्की, यू नो, फिर उसके बाद एंजल हो गया, है ना। सो ये सारे जो फिश हैं इनके साथ आप इनको रख सकते हैं। क्या और कौन से वाले फिशेस के साथ आप इनको नहीं रख सकते, तो मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। आपका हो गया डिस्कस हो गया, ऑस्कर हो गया, फ्लारन हो गया, उसके बाद आपका आरवाना हो गया, तो इन फिशेस के साथ आप इनको नहीं रख सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं बना रहा हूँ, जैसे एक फ्रेंड आपसे बात करता है वैसे ही मैं भी बात कर रहा हूँ, तो मैं कोई पॉइंट वॉइंट नहीं बना रहा, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। अभी और एक बात है कि कितना बड़ा एक्वेरियम होना चाहिए। सो एक्वेरियम के बारे में अगर बात करूँ तो 2 फीट में ये आराम से रह लेते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा 2.5 फीट होगा तो ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि हीटर, क्या इसको हीटर की ज़रूरत है। फॉर मी देखिए, ये बिना हीटर के भी सर्वाइव कर सकती है, लेकिन मान लीजिए आपने इसको कम्युनिटी टैंक में रखा है। अभी कम्युनिटी टैंक क्या होता है, कम्युनिटी टैंक का मतलब ग्रुप में, मतलब आपको, आपने इसको गोल्ड फिश के साथ रखा है, आपने इसको मिल्की के साथ रखा है, गोल्ड कार्प के साथ रखा है। सो उसमें देखिए, तो उसमें अगर आप ठंडी के टाइम पे हीटर लगाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप हीटर नहीं भी डालते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ इस फिश के लिए बात कर रहा हूँ, दूसरा कोई फिश के लिए बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो बिना हीटर के भी ये सर्वाइव करती हैं। और क्या बताने लगे, हाँ एक और चीज़, जो फूड होता है इनका, तो नॉर्मल जो फूड होता है वही इसको डालिए। अगर जो ये अगर बहुत छोटी हैं, अगर वो नॉर्मल जो आपका फूड आता है गोल्ड का वो अगर नहीं खा पा रही है, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको ज़रा क्रश करना, क्रश करने के बाद उनको उसके अंदर डाल सकते हैं। सो तभी इजीली खा लेंगी। सो जितना भी मेरे को मालूम था, क्योंकि मैंने खुद पाल रखी ये वाली फिशेज, तो जितना भी मालूम था मैंने बोल दिया, जितने बायर को जानने की ज़रूरत है उतना मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। और भी अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। सो यही है। और अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सो मैं यूट्यूब ऐसे ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिल जाए, बस यही है, और मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं हॉबीस्ट हूँ, मैं 4-5 साल से फिश पाल रहा हूँ, हर टाइप की फिशेज मैंने पाल रखी है, मैंने
आप कहोगे फ्लावर हॉर्न पाल रखी है, आरोहना पाल रखी है, गोल्ड के सारे वैरायटीज़ मैंने पाल रखी है। सो मेरे को मतलब एक नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो यही है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। टिल देन बाय, जय हिंद।